Ya jule tsangmala rewara skit po gamong yang pujuk ste yodo e video bo ketnang robotic classic divin school la sindu shiksha ti me chok ne joduk pin a te ga chaches nang vlog chuches subscribe shik top baki video pura kong mentor nang student ne explain chonok and ma ti me gyot ziksa zat jule main dharmraj pawar team sindu shiksha ka mentor hu hum kafi varshon se prayas kar rahe the कि लद्दाख के अंदर इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए स्टीम एजुकेशन जैसे कि साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग आर्ट्स और मैथमेटिक्स तो इस तरह की एजुकेशंस को लद्दाख में भी लाना और लद्दाखी स्टूडेंट्स को उसका एक्सपीरियंस देना तो हम उसमें रोबोटिक्स ऐप डेवलपमेंट कोडिंग ऐसे डिफरेंट ड्रोन प्रोग्रामिंग इन सारी चीज़ों की बच्चों को शिक्षा देने का काम चल रहा था My village name is Lingshit. I study in Mahabodhi Residential School. Hello, my name is Tanjan Singhi and I am from Zanskar and I am studying in Mahabodhi Residential School. Thank you. Jule, my name is Tanjan Chinzam of 7th class and I am from Zanskar. Hello everyone, my name is Tanjan Angmo from Lima village and my school name is Mahabodhi Residential School of class 7. Thank you. Hello, my name is Tashi Zawa. I am from Dharu village and I am studying in Mahabodhi School. Hello, my name is Kaski Dorma. I am from Taru village and I read in Mahabodhi Residential School. Hello, my name is Tanjan Skidzum. I am from Thiksei village. My school name is Mahabodhi School. I am from Chishot village. I study in class 9th Bhartivedi Niketan High School. Hello, my name is Padma Chusdon and my village name is Baldar. I study in Bhartivedi Niketan School. Hello, my name is Tanjan Dorkai. I am from Fokar. My school name is Bhartivedi Niketan High School. Hello, my name is Sunam Midon and I am from Baldar village. Jule, you may have Chetan Dorkar. I am from Bhartivedi Niketan School. फर्स्ट डे को हम लोगों ने स्टार्ट किया और हमें रोबोटिक्स के बारे में बताया गया और रोबोट कैसे बनाते हैं उसका स्मॉल इंट्रोडक्शन दिया गया हमें पहले असली रोबोट बनाने से पहले हमें उसको डिज़ाइन करना पड़ेगा तो वो डिज़ाइन हम ऑनचे पे बनाते बाय यूजिंग कैड फाइल कैड फाइल अब मैं बताता हूँ कैड फाइल क्या होता है कैड फाइल होता है कंप्यूटर एड्स डिज़ाइनिंग जिससे हम टेक्निकल ड्राइंग कर सकते हैं जैसे कि टेक्निकल डायग्राम बना सकते उसको हाँ 2D और 3D में भी बना सकते हैं उसको ज़्यादातर इंजीनियर और आर्टिस्ट यूज़ करते हैं अगर मैं थी इसको वो ये नर्स को नाम को आया डांस करना ये नर्स को नाम को आया ड्रीम सेशन मंडे का सेकेंड डे को हम लोगों ने रोबोट्स निकाला और असेंबल किया और उन्हीं वहीं से हम लोगों ने बनाना स्टार्ट किया एंड दैट वाज रियली इंटरेस्टिंग और बहुत कुछ लर्न करने को मिला हमें हमारा टीम वर्क भी बहुत अच्छा था और ये वर्क कितना इफ दिस इज स्टार्टेड विद 3 बॉक्स पर यू नो इना कितना रोबोट जैसे चला पुनिया नगले ये वर्क कितना This initiative, this is a हमारा यहाँ पे पार्ट फर्स्ट तो बन चुका है तो अब हम यहाँ पे नीचे के लिए थोड़ा सा प्रोटेक्शन के लिए हम ये जैसे लगा रहे हैं कि जब हम वहाँ पे जब गेम के लिए जाएंगे तब ये जैसे बॉक्सेस यहाँ पे नीचे भी जा सकते जो यहाँ पे मोटर को लग भी सकते और यहाँ पे डैमेज भी कर सकते इसीलिए हम यहाँ पे ये जैसे लगा रहे हैं इस साल हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली कि अपनी सिंधु शिक्षा टीम के स्टूडेंट्स को हम फर्स्ट टेक चैलेंज जो एक इंटरनेशनल कंपटीशन होता है जिसमें बच्चों को एक रोबोट बनाना होता है और उसको प्रोग्राम करके और उस चैलेंज में फिर पार्टिसिपेट करना होता है तो इंडिया के अंदर जो फर्स्ट टेक चैलेंज इंडिया का एक नेशनल रोबोटिक्स चैंपियनशिप होने वाली है पुणे के अंदर 11 से 13 मार्च के 2022 में इस साल और हम यहाँ पर आकर के बच्चों को अभी रोबोटिक्स एजुकेशन के साथ में पूरा कैसे पार्टिसिपेशन करना है इसकी पूरी एक तरह से ट्रेनिंग चल रही है और बच्चे भी बहुत एक्साइटेड हैं बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं अपना टीम सॉन्ग से लेकर के रोबोट बिल्डिंग प्रोग्रामिंग एवरीथिंग दे आर डूइंग ग्रेट और बहुत अच्छा रहेगा कि इस साल हमारे एक पार्टिसिपेशन ले लद्दाख से भी इस इंटरनेशनल कंपटीशन के नेशनल इंडिया की चैंपियनशिप में होने जा रहा है ठंड होने के कारण यहाँ पे पार्ट सब टाइट हो रहे हैं इसीलिए हमें यहाँ पे कुछ पार्ट्स को हमें यहाँ पे डालने के लिए बहुत मुश्किल हो गया इसलिए हमने फिर भी यहाँ पे पूरी कोशिश की लगाने की
थर्ड डे को हम लोगों ने, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, हम लोगों ने प्रोग्रामिंग स्टार्ट किया और अभी हम लोग इस जॉयस्टिक पर प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। जुले इन्हें दसों चाहे का प्रोग्रामिंग जो सीन ले जॉयस्टिक का प्रोग्रामिंग जो सीन ले इन्हें फोन हेल्ता से अच्छा और लैपटॉप का प्रोग्रामिंग जो सीन ले प्रोग्रामिंग वो एक उंगला डीसी मोटर से यू क्यों सीन ले जैसे मुझे यू पावर लेफ्ट मोटर ना राइट मोटर पावर ताला डल नाने यू क्यों सीन ले तो मुझे गेम पे नाने इंग्लिश का क्यों से रहा तो मुझे माइनस मुझे क्यों से कुछ सीन ले। हमने यहाँ पे ऑन चिप पे जैसे डिज़ाइन बनाया वैसा ही हमने रियल में भी बनाया है। तो जैसे कि यहाँ पे कंट्रोल अप है, यहाँ पे भी कंट्रोल अप है, यहाँ पे हमने मोटर लगाया है, हाँ ये रहा मोटर, यहाँ पे एक्सट्रूजन है, यहाँ पे भी एक्सट्रूजन, हमने यहाँ पे सारा यहाँ पे ऐसे देखते देखते किया है। अगर हमें यहाँ पे थोड़ा सा भी थोड़ा कन्फ्यूजन होता है तो हम यहाँ पे देख लेते हैं। नमस्ते, तो मैं एफटीसी ऑर्गेनाइजर को किट प्रोवाइड करने के लिए धन्यवाद कहना चाहती हूँ। प्रोग्रामिंग बनाने के लिए और रोबोट्स बनाने के लिए एक लैपटॉप की ज़रूरत थी जो स्टीम टीम ने हमें स्पॉन्सर किया, सो मैं उनको दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगी। मैंने इन तीन दिनों में बहुत कुछ सीखा है, लाइक रोबोट्स बनाना, और हमने टीम वर्क भी किया है। मुझे बहुत खुशी हो रही है इस बात की। और हमारे जो सर हैं, सर धर्मराज जी, वो इतने दूर से यहाँ आए इतने ठंड में हमें सिखाने के लिए, सो मैं उनको दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगी, थैंक यू। इन तीन दिनों में हमने बहुत कुछ सीखा, रोबोट बनाना सीखा, और ये मेरा फर्स्ट टाइम है और मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि हमें इतना यंग एज में इतना कुछ सीखने को मिल रहा है। सो वी आर सो थैंकफुल टू ऑल द स्टीम टीम, थैंक यू सो मच। I tried to make you stay, but your savage love, did somebody break your heart? Looking like a ninja, but you're savage love.